नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज का छठा दिन है। आइए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे एवं कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। पहला क्वेश्चन है 236 पर पावर 239 भागा में 235 तो शेषफल क्या होगा। जब हमारा नंबर सिस्टम के भाग के नियम अध्याय को आपने पढ़ा होगा तो आपको मैंने वहां पर बताया था कि अगर भाजक जो है भाजक भाज्य से कम हो, भाज्य से एक कम हो तो शेष फल हमेशा एक होगा। यहां पर पावर का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अगर भाजक भाज्य से एक कम हो तो यहां पर पावर का कोई मीनिंग नहीं होता, पावर मीनिंगलेस हो जाता है। यहां पर सीधा कंसेप्ट यह है कि आपका आंसर शेषफल जो है हमेशा एक होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 326 पर पावर 468 भागा में 327 तो शेषफल क्या होगा। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि अगर भाजक भाज्य से एक ज्यादा हो, अगर भाजक जो है भाजक भाज्य से एक ज्यादा, भाज्य से एक ज्यादा तो शेष फल पावर तय करेगा, पावर तय करेगा। अगर भाज्य से भाजक एक अधिक हो तो सारा दारोमदार पावर का हो जाता है, सारा दारोमदार पावर का हो जाता है। पावर अगर सम हो, पावर इज इक्वल टू सम पूर्णांक तो शेष फल हमेशा एक होगा। शेष फल जो है हमेशा एक होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये हमेशा होगा। इसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर हमें कमेंट करें ताकि हम आपको अच्छी तरह से अगले वीडियो में समझा सकें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा 264 पर पावर 329 भागा 265। पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहां पर भाज्य जो है इस भाजक से एक कम है। ये भाज्य इस भाजक से एक कम है, या तो फिर हम कह सकते हैं भाजक जो है भाज्य से एक ज्यादा है। तो इस केस में सारा दारोमदार पावर का होता है। तो जब पावर सम था तो हमेशा शेष फल एक होगा, लेकिन यहां पर पावर जो है वो विषम पूर्णांक पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं सोचिएगा, पॉजिटिव हमेशा सोचिए। ऐसे प्रश्न पॉजिटिव में ही होते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके पास आएंगे, यहां पर पावर आपके देखिए विषम है, विषम पूर्णांक है, तो जब विषम पूर्णांक होगा तो शेष फल हमेशा भाज्य होगा। शेष फल जो है भाज्य होगा हमेशा, हरेक केस में भाज्य हमेशा। यानी यहां पर क्या है 264 आंसर, हमारा यहां पर आंसर जो है 264 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि पावर पर जो है एक विषम पूर्णांक है और भाजक जो है भाज्य से एक अधिक है। तो इस केस में विषम पूर्णांक के केस में भाज्य जो है स्वयं यहां पर शेषफल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
छियालीस पर पावर सैंतीस प्लस सैंतीस पर पावर सैंतीस भागा संतावन, तो शेषफल क्या होगा? अब देखिए वह सिंगल था, उससे एक ज्यादा एक कम का खेला था, वो सारा खेला खत्म, अब नया चालू। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, ये 46 पर पावर 37 यहाँ सारा खेल पावर का है। अगर पावर विषम पूर्णांक है तो इस 46 पर पावर एक या तीन रखना है, प्लस इस 37 पर भी पावर एक या तीन रखना है, भागा में 57। अब देखिए एक या तीन कब रखेंगे, एक तब तक रखेंगे जब तक कि इन दोनों का योग इससे ज्यादा ना हो। अगर इससे कम हो जाता है इन दोनों संख्याओं का योग, तब फिर हम पावर पर तीन रखेंगे। अगर इन दोनों इससे कम इन दोनों संख्याओं का योग होता है तो पावर पर हम तीन रखेंगे। देखिए तो यहां पर तीन रखने की आवश्यकता नहीं है, पावर पर एक ही रखेंगे, क्योंकि 46 और 37 कितना हो जाएगा 83। अब यहां पर है क्या 57, तो 7 6 13 का 3, पावर पर एक रखेंगे हम यहां पर। आइए देखिए 46 पावर एक प्लस 37 पावर एक भागा 57, यहां पर सॉल्व करते हैं। 7 6 13 पावर एक है, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसे। 46 और 37 7 6 13 का 3, 4 3 7 और 1 8, 83 भागा 57, तो 57 एकम 57 बच गया। 57 में कितना 83 माइनस कर देंगे तो 13 में से 7 गया तो 6 और 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 26 हमारा शेषफल हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें टेंशन लेने वाली एक जरा सा भी कोई भी बात नहीं है। अगला प्रश्न है 8 पर पावर 326 प्लस 7 पर पावर 326 भागा में 32, तो शेषफल बराबर क्या होगा? तो देखिए ऐसे प्रश्न में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर था, सिर्फ डिजिट का डिफरेंस था, संख्याओं का डिफरेंस था। आप देखिए यहां पर खेला क्या है, सेम है, सिर्फ पावर का खेल है। यहां पर पावर का, वहां पर विषम पूर्णांक पावर में था, यहां पर सम पूर्णांक पावर में है। और अगर पूर्णांक सम पूर्णांक पावर में हो तो फिर यहां पर संख्या के पावर में 2 या 4 रखेंगे, 2 या 4 और भागा में 32। अब वही केस है कि 2 कब रखेंगे 4 कब रखेंगे, 2 तब तक रखेंगे जब तक कि 2 पावर रखने के बाद दोनों संख्याओं का योग इस 32 से अधिक हो। अगर इस 32 से दोनों संख्याओं पर पावर 2 रखने के बाद कम हो जाएगा तो इस 32 से कम होने के केस में हम फिर पावर पर 4 रखेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि दोनों जो है इससे अधिक है, तो दोनों का योग अधिक होना स्वाभाविक है। चलिए हम देखते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 12 में 32, आप इसको सॉल्व कीजिए, 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने हर एक अपने क्लास में आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं कि एग्जाम्स ऐसे ही क्रैक नहीं होते हैं सिर्फ फॉर्मूलाओं के बेस पर, कैलकुलेशन के दम पर। आपको क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, पहाड़े, ये सभी याद रखने होंगे। स्क्वायर आसान होते हैं इसलिए कम से कम 100 तक याद रखिए, 60 70 80 100 तक याद रखिए। क्यूब 30 से 50 तक याद रखिए और पहाड़े कम से कम 50 तक याद रखिए। उसको बार बार दोहराइए और दोहराने से क्या होगा, आपके दिमाग में जाके वो घर कर जाएगा, बस जाएगा, उसके बाद आपको उसमें तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। तो आइए इसको हल करते हैं। स्क्वायर, क्यूब
और पहाड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स के सवालों को हल करने के लिए। जैसे हमें यहाँ पर 32 का पहाड़ा याद होता तो हम आसानी से इसको हल कर सकते थे। देखिए यहां से भी हम काट सकते हैं 32 से कम 32, 32 गुना 64 ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों को तो ऐड ही करना है ना। और 32 से कम 32 और शेष फल बच गया 17, यानी 17। अब देखिए जोड़ से भी हम वही लाएंगे। देखिए 9 4 13 का 3, 4 6 10, 10 और 1 11 भागा 32, तो 32 3 96 बच गया 113 है, तो 96 400 और 13 17 हमारा आंसर। अगर जोड़ में है तो यहां पर भी हम काट सकते थे और यहां से शेषफल निकाल सकते थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर शेषफल हमारा क्या हो गया 17। छठा क्वेश्चन है, संख्या 9876454 में 8 एवं 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहां संख्या लिख लेते हैं 9876454। चलिए अब क्या कहा जा रहा, 8 एवं 6 के स्थानीय मान, तो स्थानीय मान का मतलब यह है कि संख्या जिस स्थान पर है उसका मान क्या होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख इसका मान, तो 8 है संख्या यहां पर, तो 1 लाख गुना 8 यानी 8 लाख। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहां पर 8 का 8 रख दीजिए, उसके इधर जितने डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं, उतने शून्य रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर किसके बीच का रहा है, 6 के बीच, 8 के बाद 6, तो फिर 6 इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000 का यहां पर है, तो 1000 गुना 6 6000। या तो फिर 6 रखते हैं, उसके जितने भी डिजिट हैं उतने हम 0 यानी कि 0 रख देंगे। अब जो है दोनों के बीच अंतर हम निकाल देते हैं, तो 8 लाख है, तो दहा इधर से पहचान लेंगे 1 बकाया, तो यहां से 1 लेंगे तो यहां 10 हो जाएगा, फिर यहां से बकाया 1 लेंगे तो यहां 9 बच जाएगा, यहां 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4, और यहां 9 बच गया था 9 का 9, इसमें से 1 बकाया इधर ले गए तो यहां पर बच गया 7। ऐसे भी आप जानिए कि 8 लाख में 6000 चला गया, 8 लाख में 6000 चला गया, तो 7,94,000 बचेगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा ठहरिए, यहाँ पर एक ही प्रश्न नहीं है, यहाँ पर 2 प्रश्न है। एग्जामिनर्स ने हमारे साथ चाल चला है। देखिए एक प्रश्न नहीं बल्कि यहाँ पर 2 प्रश्न दिया है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऑप्शन में इतना कॉमा जो आंसर होगा जातीय मान का वो रहेगा। तो देखिए यहां पर, तो जातीय मान क्या होता है, इसी का 8 एवं 6 के जातीय मान के बीच का भी अंतर कहा जा रहा है, 8 एवं 6 के जातीय मान के बीच का अंतर। तो 8 का जातीय मान मतलब जो जाति है वही 8 है, तो 8 ही उसका जातीय मान है, 6 है, 6 का जातीय मान 6 है, चाहे वो करोड़ के स्थान पर क्यों ना हो, वो करोड़ स्थानीय मान होगा, जातीय मान वो अंक खुद होगा, अपना जातीय मान वो अंक खुद होगा। तो यहां पर 8 का जातीय मान 8 और 6 का जातीय मान 6, दोनों का अंतर 2, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में हमें पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर देख लेंगे, गिन लेते हैं इसे इकाई से लेके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, तो 8 है यहाँ, तो 8 लाख हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार है तो 6 है तो 6000 हो गया, 8 लाख में 6000 चला गया, 7,94,000 आ जाएगा। और यहाँ पर जातीय मान में इसी तरह 8 का जातीय मान 8, 6 का जातीय मान 6, तो 8 - 6 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एकदम ही चुटकी बजाने के समान हल करना है। आइए हम लोग अब कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों 7 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप इन सबों को अपने घर पर हल करें।
एवं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर इसमें आपको कोई कठिनाई हो, अगर इसमें आपको कोई कठिनाई हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम इसका सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से देंगे ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। चलिए पहला प्रश्न हम आपको बताते हैं क्या है। 231 पर पावर 632 भागा में 230 तो शेषफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 469 पर पावर 633 भागा में 468 तो शेषफल बराबर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है 326 पर पावर 233 भागा में 327 तो शेषफल क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है 432 पर पावर 234 भागा में 433 तो शेषफल क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है 231 पर पावर 469 प्लस 37 पर पावर 469 भागा में 36 तो शेषफल बराबर वाट। छठा क्वेश्चन है 9 पर पावर 32 प्लस 11 पर पावर 32 भागा में 66 तो शेषफल बराबर वाट। सातवां क्वेश्चन है संख्या 469843 में 6 तथा 9 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर तथा जातीय मान का अंतर निकालें। आप सभी मित्रों से आग्रह है कि हमें आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों का इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।